और घर में झगड़ा शुरू हो गया, घर में पूछने लगे कि तुम शिर्क क्यों छोड़े, मतलब पूजा करना क्यों छोड़े इन बुतों को। और मैं बोला कि मैं आजकल मॉडर्न बन रहा हूँ, कॉलेज में जा रहा हूँ और कॉलेज में सब मजाक उड़ाते हैं कि तुम ये तुम नामा सब लगाते हो, कुमकुम सब लगाते हो, इसलिए मैंने छोड़ दिया था कि मुझे मॉडर्न बनना है। तो मेरी माँ थोड़ा कन्विंस हो गई तो मैं पूजा छोड़ दिया। और ये सब एनालिसिस जब मेरा पूरा हुआ तो उसी टाइम पर मेरा कॉलेज भी स्टार्ट हो गया, मेरा सेकेंड ईयर चालू हो गया। तो मैं वो दुकान से बाहर आ गया। अब जो है पूरा कुरान पढ़ा, लेकिन पूरा कुरान पढ़ने के बाद मुझे थोड़ी आयत समझ में आई, वो तो शिर्क करना नहीं चाहिए और आखिरत क्या, ये सब समझ में आया था। और हर एक आयत का माना समझ में आया था कि आयत अल्लाह ताला अपने आप को आयत से प्रूव करते कि अल्लाह ताला का एग्जिस्टेंस अल्लाह के ऊपर यकीन रखने के लिए अल्लाह की आयत को अगर हम सोचेंगे, उसके बारे में गौर करेंगे, तब हमको बिलीव होगा अल्लाह की एग्जिस्टेंस। मतलब अल्लाह हमारे सामने जाहिर नहीं है, मतलब अल्लाह को देख नहीं सकते, लेकिन अल्लाह के आयत को देखकर हम बिलीव करना चाहिए, इतना मुझे समझ में आया था। फिर दूसरी आयत जब मैंने कुरान में पढ़ा, हाउ कैन यू डिसबिलीव इन अल्लाह व्हेन यू आर लाइफलेस, वी गेव यू लाइफ एंड वी विल कॉज यू टू डाई अगेन एंड वी विल कॉज यू टू लाइफ अगेन, वी विल ब्रिंग बैक टू लाइफ अगेन। तो मैं सोचा यू नो इट्स नॉट इजी फॉर मी टू बिलीव दैट ऑन द डे ऑफ जजमेंट वी विल बी ब्रॉट बैक टू लाइफ। मतलब जब अल्लाह ताला बोल रहा है कि अल्लाह के ऊपर कुफर कैसे कर सकते हो जब तुम नहीं थे और बाद में तुमको अल्लाह ने एक लाइफ दिया, फिर बाद में अल्लाह तुमको मौत देगा, फिर उसके बाद में अल्लाह तुमको फिर से वापस जिंदगी देगा, खड़ा करेगा आखिरत के दिन। तो मैं सोचा हाँ ये सच है, अल्लाह ताला जो बोल रहा है ये सच है, क्यों 18-20 years बैक मेरा एग्जिस्टेंस ही नहीं था, आई वॉज नॉट देयर बिफोर आई वॉज बॉर्न, लेकिन ये धरती तो था मेरे पैदा होने से पहले, सेंचुरीज के हिसाब से ये धरती चल रही थी, लेकिन अभी ऐसा कैसा हो सकता है कि हाउ आई डिसबिलीव इन अल्लाह। अल्लाह सेज यू आर लाइफलेस। हाँ मुझे 20-25 years बैक आई वॉज लाइफलेस, मैं नहीं था इस धरती पर, फिर बाद में अल्लाह गेव मी लाइफ, यस अल्लाह गेव मी लाइफ, देन आफ्टरवर्ड्स ही विल कॉज मी टू डाई, वी नो दैट वी विल डाई और मैं एक दिन मरूंगा, फिर अल्लाह विल ब्रिंग बैक मी टू लाइफ अगेन ऑन द डे ऑफ जजमेंट एंड हाँ अल्लाह मुझे फिर से जिंदगी देंगे आखिरत के दिन। जब ये दोनों सच है, मैं जिंदा नहीं था मेरे पैदा होने से पहले, फिर अल्लाह ने मुझे जिंदा किया, अल्लाह ने मुझे लाइफ दिया, फिर मुझे मौत भी देगा अल्लाह ताला, ये दोनों अगर सच है तो तीसरी चीज भी सच है। और दिस हेल्प मी टू बिलीव इन द डे ऑफ जजमेंट। एट द सेम टाइम हमारे हिंदुइज्म में ये कॉन्सेप्ट है कि पुनर्जन्म, पुनर्जन्म जो बोलते हैं कि अगर मैंने ऐसी कोई गलती की है, जो बड़ा गलती अगर मैंने किया, मैं कुत्ता हो जाऊंगा या तो पिग हो जाऊंगा या तो फिर इंसेक्ट हो जाऊंगा या तो फिर बर्ड हो जाऊंगा। मैं सोचा अगर मुझे कुत्ता पसंद नहीं है, मुझे कुत्ता होना पसंद नहीं है, मैं कुछ भी हो सकता हूं लेकिन कुत्ता होना पसंद नहीं है, पिग होना मुझे पसंद नहीं है, तो मैं क्या काम करूं जिससे मैं कुत्ता होना बच जाऊं या पिग होना बच जाऊं, ये दोनों चीज मैं बनना नहीं चाहता हूं, ये दोनों चीज से मैं कैसे बचूं पुनर्जन्म में। मैं सोचता था इसके बारे में, देर इज नो वे इट कम्युनिकेट्स, मतलब ऐसा कोई कम्युनिकेशन नहीं है इनके बीच में मुझे मालूम होने के लिए। अगर मुझे मालूम होना चाहिए ये कुत्ता क्यों बना है, ये कुत्ता ऐसे क्या गुनाह किया है, इसका प्रीवियस लाइफ जो था वो एक मनुष्य जन्म था लेकिन अभी इस जन्म में जो है ये कुत्ता है, इसने क्या गुनाह किया है, ये कुत्ता बना है, मुझे मालूम होना चाहिए ताकि मैं वो गुनाह नहीं करूंगा, मैं वो मिस्टेक्स नहीं करूंगा। लेकिन अल्लाह ताला कुरान में बोलता है कि देर इज लाइफ आफ्टर विच इज आइदर हेल और हेवन, नथिंग इन बिटवीन। और अल्लाह ताला सूरह बकरा में बोलता है कि दे आर द पीपल हु आर सक्सेसफुल एंड वन ऑफ द, और एक जो चीज है इन ईमान वालों को बिलीव करने के लिए, यकीन आखिरत पर होना चाहिए। ये यकीन मैं सोचता था आखिरत क्या है, आखिरत ऐसी क्या चीज है, आखिरत पर मैं कैसे यकीन करूं, क्योंकि जो पूरे जो आयत से ये मुझे मदद किया कि मेरे घर में बोलते थे हम मूर्ति पूजा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पूर्वज कर रहे थे, और कुरान बोल रहा है तुम्हारे पूर्वज अगर जिहालत में थे क्या तुम भी रहोगे जब सच्चाई वाजे होगे, और मेरे दिल में ये बात आती थी मैं इस्लाम फॉलो करूंगा लेकिन नमाज पढ़ूंगा और मेरे हिसाब से पढ़ूंगा, मुसलमानों के जैसा नहीं पढ़ूंगा। तब ये दूसरी भी आयत आई कि विच हेल्प मी टू, जो मुझे मदद किया इस्लाम को फॉलो करने के लिए, आज मैंने इस्लाम को परफेक्ट किया, मुकम्मल किया, और इसके सिवा दूसरे कोई मजहब को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, और ये सब आयत मुझे मदद किया।